क्या आप भी मेरी तरह कपकेक्स के शौकीन हैं? क्या आपको भी पनीर टिक्का चिकन टिक्का खाने की क्रेविंग्स होती हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दोनों चीजें यानी कि ग्रिलिंग और बेकिंग ये दोनों एक ही माइक्रोवेव में कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? Oh my God! Wow! आज की ये वीडियो खास मेरे फूडीज के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज टीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोवेव ओवन के बारे में। ये किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको याद रखने एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट माइक्रोवेव ओवन जो इस टाइम पे इंडिया की मार्केट में अवेलेबल है और आपको अपने बजट के अंदर अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ टॉप 5 सेक्शन को देखना चाहते हैं, इस पूरी वीडियो को आराम से नहीं देखना चाहते, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप इस वीडियो को स्किप करके सिर्फ टॉप 5 सेक्शन को देख सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कौन सा माइक्रोवेव ओवन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स के बारे में। माइक्रोवेव्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला हम लेते हैं सोलो माइक्रोवेव, सेकंड हम लेते हैं ग्रिलिंग माइक्रोवेव, एंड थर्ड हम लेते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स। पर अब सोलो माइक्रोवेव होता क्या है? सोलो माइक्रोवेव्स काफी सिंपल एंड बेसिक माइक्रोवेव्स के अंदर काउंट होते हैं। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो सोलो माइक्रोवेव आइडियल रहते हैं आपके नॉर्मल कुकिंग के लिए एंड रीहीटिंग ऑफ फूड पर्पसेस के लिए। इन माइक्रोवेव्स के अंदर आप बेकिंग, ग्रिलिंग एंड सारे स्पेशल फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक माइक्रोवेव को एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो सोलो माइक्रोवेव्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रिलिंग माइक्रोवेव्स की, तो इन माइक्रोवेव्स के साथ आपको बहुत सारी ग्रिलिंग एक्सेसरीज तो मिलती ही है। साथ ही साथ ये माइक्रोवेव बेस्ट रहता है आपकी मीट, वेजिटेबल्स, चिकन को रोस्ट करने के लिए। अगर मैं माइक्रोवेव्स के फीचर्स की बात करूं तो हम इन माइक्रोवेव्स के अंदर यूनिफॉर्म रीहीटिंग, रोस्टिंग एंड सिंपल कुकिंग कर सकते हैं। यानी कि चाय, कॉफी, पास्ता, राइस, चिकन टिक्का, पनीर बटर मसाला, चिकन बटर मसाला, पिज्जा, पॉपकॉर्न, ये सब डिशेस आप बड़े आराम से माइक्रोवेव के अंदर बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स के बारे में, तो इन माइक्रोवेव्स के अंदर आपको एक फैन और हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबल है आपके माइक्रोवेव के अंदर एक हॉट एयर फ्लो पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ आप इन माइक्रोवेव्स के अंदर ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, सिंपल कुकिंग, ये सारी चीजें एक ही माइक्रोवेव के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड बाइंग गाइड के बारे में जो आपको हमेशा एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं जिस फीचर की बात करने वाला हूँ वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी डिपेंड करता है नीड टू वीट। अगर आप 3 या 4 मेंबर्स हैं और आपकी छोटी फैमिली है तो आपके लिए 15 से 20 लीटर वाला माइक्रोवेव सही रहेगा। अगर आप 4 से 6 मेंबर्स हैं और आपकी मीडियम साइज फैमिली है तो आपके लिए 20 से 25 लीटर वाला माइक्रोवेव बेस्ट रहेगा। अगर आप 6 या 6 से ज्यादा मेंबर्स हैं और आपकी लार्ज फैमिली है तो आपके लिए 25 से 30 लीटर या 30 लीटर से भी ऊपर वाला माइक्रोवेव बेहतर रहेगा। तो इसलिए माइक्रोवेव को लेने से पहले हम हमेशा कैपेसिटी वाला फीचर याद रखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया हमारा पावर कंजम्पशन। एक माइक्रोवेव जितना ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा वो उतना ही जल्दी और एफिशिएंटली आपका खाने को कुक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसा माइक्रोवेव ले लें जो ज्यादा से ज्यादा पावर को कंज्यूम करे, क्योंकि अगर एक माइक्रोवेव ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमें एक ऐसा माइक्रोवेव देखना है जो आपके खाने को फटाफट पका भी दे और साथ ही साथ आपके बिजली का बिल भी कम आए। तो इसलिए पावर कंजम्पशन वाले फीचर को हम हमेशा याद रखेंगे कोई भी एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको हमेशा याद रखना है एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले वो है ऑटो कुक ऑप्शंस। इस ऑप्शन के अंदर अगर आप पिज्जा बना रहे हैं तो आप सिर्फ जाके अपना पिज्जा माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हैं और बाहर से पिज्जा वाले बटन की सेटिंग्स को प्रेस करने के बाद ये जो माइक्रोवेव है आपका अपने आप टेम्परेचर एंड टाइमर सेट कर देगा और आपका गर्म गर्म पिज्जा आपके सामने तैयार करके दे देगा। तो ऑटो कुक वाले फंक्शन के अंदर आपके लिए हर एक डिश के लिए एक डिफरेंट टाइमर और एक डिफरेंट टेम्परेचर सेट होता है इस माइक्रोवेव के अंदर। तो ये ऑटो कुक वाले ऑप्शन को हम हमेशा याद रखेंगे कोई भी एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको हमेशा याद रखना है एक माइक्रोवेव को लेने से पहले वो है चाइल्ड लॉक।
ये फीचर बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फीचर उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे माइक्रोवेव का डोर खोल देते हैं, इससे क्या होता है कि आपको जो माइक्रोवेव है ये वो भी खराब कर देते हैं और साथ ही साथ अपने आप को भी चोट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक माइक्रोवेव के अंदर चाइल्ड लॉक लगा देते हैं तो ये जो माइक्रोवेव का डोर है ये सिर्फ और सिर्फ एक पासवर्ड को डालने के बाद ही खुलेगा। तो इसलिए ये जो चाइल्ड लॉक वाला फीचर है हम इसको हमेशा याद रखेंगे एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको हमेशा याद रखना है एक माइक्रोवेव को लेने से पहले वो है उसकी वारंटी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनफैक्ट माइक्रोवेव की ही नहीं, आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वारंटी को जरूर देखना चाहिए उनको बाय करने से पहले। और माइक्रोवेव के अंदर आपको दो वारंटीज मिलती है, पहला आपको प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएगी, दूसरा आपको मैग्नेट्रॉन पे देखने को मिल जाएगी। अब मैग्नेट्रॉन क्या होता है? मैग्नेट्रॉन बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके माइक्रोवेव के अंदर होता है और वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके खाने को गर्म करने के लिए। कोई कोई जो कंपनीज हैं वो आपको एक साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देंगी और दो साल या तीन साल या चार साल की मैग्नेट्रॉन के ऊपर वारंटी देंगी। तो इसलिए वारंटी वाले फीचर को हमेशा याद रखेंगे कोई भी एक माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको और देना चाहूंगा कोई भी माइक्रोवेव ओवन को लेने से पहले, वो ये है कि आपको हमेशा ब्रांड एंड कस्टमर रिव्यूज को बिल्कुल चेक करना है। ब्रांड्स की टेंशन मत लीजिए क्योंकि आने वाले टॉप 5 सेक्शन के अंदर मैं आपको सारे ट्रस्टेड ब्रांड्स दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डाल दूंगा, आप उन पे क्लिक करके कस्टमर के रिव्यूज पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं आपके लिए कौन सा माइक्रोवेव ओवन बेस्ट रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में जिसका आप सभी को इंतजार था। सो टॉप 5 बेस्ट माइक्रोवेव्स की रेस में हमने 5th पोजीशन पे रखा है IFB की तरफ से आने वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको कुछ 12,250 रुपीज का देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करूं तो ये कुछ 30 लीटर की कैपेसिटी इस माइक्रोवेव के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके पावर कंजम्पशन की बात करूं तो ये कुछ 230 वोल्ट्स की पावर को कंज्यूम करता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके ऑटो कुक ऑप्शंस की बात करूं तो आपको यहां पे कुछ 101 कुकिंग मेन्यूज देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको चाइल्ड लॉक, फास्ट डिफ्रोज, स्टीम क्लीन, डिओड्राइज जैसे सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके वारंटी की बात करूं तो यहां पे आपको एक साल प्रोडक्ट के ऊपर एंड 3 साल मैग्नेट्रॉन के ऊपर वारंटी देखने को मिल सकती है। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। तो 4th पोजीशन पे हमने रखा है LG कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको कुछ 18,000 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको 32 लीटर की कैपेसिटी माइक्रोवेव के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं इसके पावर कंजम्पशन की बात करूं तो जो माइक्रोवेव है 230 वोल्ट्स की पावर को कंज्यूम करता है। और अगर मैं इसमें ऑटो कुक ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पे 301 ऑटो कुक ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें से 211 डिजाइन किए गए हैं सिर्फ इंडियन फूड मेन्यूज के लिए। प्लस अगर मैं इसमें एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आप ग्रिलिंग, बेकिंग, कुकिंग, रोस्टिंग हर एक चीज इस माइक्रोवेव के अंदर आप कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो यहां पे आपको 1 साल प्रोडक्ट के ऊपर एंड 4 साल मैग्नेट्रॉन के ऊपर वारंटी देखने को मिल सकती है। तो LG की तरफ से आने वाले माइक्रोवेव को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। 3rd पोजीशन पे हमने रखा है सैमसंग कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो यहां पे आपको 14,500 रुपए का माइक्रोवेव देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको कुछ 28 लीटर की कैपेसिटी इस माइक्रोवेव के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो जो माइक्रोवेव है 230 वोल्ट्स की पावर को कंज्यूम करता है। प्लस अगर मैं ऑटो कुक ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पे भी आपको 101 यानी कि 101 कुकिंग ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आप कुकिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग ये सब चीजें तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्लिम फ्राई टेक्नोलॉजी एंड तंदूर टेक्नोलॉजी ये दो फीचर्स नए देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसमें वारंटी की बात करूं तो यहां पे आपको 1 साल प्रोडक्ट के ऊपर एंड 4 साल मैग्नेट्रॉन के ऊपर वारंटी देखने को मिलती है। तो ये जो परचेज है आपके लिए काफी टेरिफिक साबित हो सकता है और आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। 2nd पोजीशन पे हमने रखा है पैनासोनिक कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको कुछ 11,390 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आपको 27 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके पावर कंजम्पशन की बात करूं तो ये कुछ 230 वोल्ट्स की पावर को कंज्यूम करता है। साथ ही साथ अगर मैं इसमें ऑटो कुक ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पे आपको 101 ऑटो कुकिंग ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहां पे आप कुकिंग, बेकिंग,
रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये सब चीजें कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे मैजिक ग्रिल जैसे फीचर का एक एक्सेस मिलता है। मैजिक ग्रिल फीचर है क्या? मैजिक ग्रिल फीचर आपके खाने को टू वे कुक करता है, यानी कि ऊपर से भी एंड साइड बाय साइड। तो ये जो फीचर है काफी जल्दी हेल्प करता है आपके खाने को कुक करने के लिए। अगर मैं इस पे वारंटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक साल प्रोडक्ट के ऊपर एंड चार साल मैनुफैक्चरिंग के ऊपर वारंटी देखने को मिल सकती है। तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने रखा है गोदरेज इन्वर्टर कन्वेक्शन माइक्रोवेव को। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 17,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 28 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। प्लस अगर मैं इसके पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो माइक्रोवेव है 230 वोल्ट्स की पावर को कंज्यूम करता है। अगर मैं इसमें ऑटो कुकिंग ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 350 ऑटो कुकिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। प्लस अगर मैं इसमें एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुकिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग के सारे फीचर्स मिलते ही हैं, स्टीम, क्लीनिंग, चाइल्ड लॉक, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन ये जो माइक्रोवेव है इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपकी जो कुकिंग है 15% ज्यादा तेजी से होगी, 40% फास्टर इसमें डिफ्रॉस्टिंग होगी और 11% जो माइक्रोवेव है पावर सेविंग है। और यही वो सारी चीजें हैं जो इस माइक्रोवेव को नंबर वन बनाती है हमारी आज की माइक्रोवेव की लिस्ट के अंदर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके माइक्रोवेव की वारंटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक साल प्रोडक्ट के ऊपर एंड 5 साल माइक्रोटॉन के ऊपर वारंटी देखने को मिल सकती है। तो ये जो माइक्रोवेव है आपके लिए एक बेस्ट परचेज साबित हो सकता है। आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं अपने बाइंग लिस्ट के लिए। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स। अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस या फिर और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। आई होप आपको एक छोटा सा डिटेल वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करना मत भूलेगा एंड खोज दिल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।